सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्हाट इज ब्रांड मैनेजमेंट? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रांड मैनेजमेंट क्या है। इन मार्केटिंग ब्रांड मैनेजमेंट इज द एनालिसिस एंड प्लान ऑन हाउ दैट ब्रांड इज परसीव्ड इन द मार्केट। ब्रांड मैनेजमेंट जो है एक एनालिसिस है, एक प्लानिंग है कि अपने ब्रांड को लोगों के माइंड में कैसे एक लुक देनी है, लोगों के माइंड में एक अपने ब्रांड के बारे में गुड इमेज कैसे क्रिएट करनी है, लोगों के माइंड में अपने ब्रांड की प्रोडक्ट के बारे में एक सुपीरियर वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, लोगों को अपने ब्रांड के साथ लॉयल कैसे बनाना है। आगे है डिवेलपिंग अ गुड रिलेशन विद द टारगेट मार्केट इज असेंशियल फॉर ब्रांड मैनेजमेंट। आगे वो कह रहे हैं कि आपने एक गुड रिलेशन बनाना है टारगेट मार्केट, मतलब टारगेट मार्केट ये है कि आपका ब्रांड जो है, आप फॉर एग्जांपल आप मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू आपकी जो महंगी गाड़ियों की कंपनी है, आप इस तरह की कोई महंगी गाड़ियों की कंपनी बनाते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे अगर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आप दूसरे मुल्कों में भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजीज या ब्रांचेज या कंपनी की एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे अपनी टारगेट मार्केटिंग देखेंगे, टारगेट मार्केट देखेंगे कि लोगों के पास इतनी पावर भी है कि नहीं। किसी रिच कंट्री में, किसी ज़्यादातर रिच कंट्री में रिचेस्ट सिटीज़ में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी प्रोडक्ट महंगी है और लोग अमीर लोग जो है आपकी प्रोडक्ट खरीद सके। तो टारगेट मार्केट बहुत मैटर करती है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी क्लॉथ, चाइल्ड क्लॉथ, छोटे बच्चों की चाइल्ड की क्लॉथ का ब्रांड है और ब्रांड बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप मार्केट को, अच्छी मार्केट को टारगेट करेंगे जिसमें अच्छे लोग, डिसेंट लोग हों और उनको रहने सहने का अच्छा तरीके, उनके कल्चर अच्छे हों, तो जैसे सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी के पास अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहले टारगेट मार्केट जो है वो बहुत मैटर करती है। टारगेट मार्केट के बाद वो कह रहा है आपने एक गुड रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना है अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने कंज्यूमर के साथ, जिससे आपकी ब्रांड बहुत अच्छी होगी। तो इसमें ब्रांड मैनेजमेंट में ये भी आ जाता है, गुड रिलेशन और टारगेट मार्केट। आगे है टेंजिबल एलिमेंट ऑफ अ ब्रांड मैनेजमेंट इंक्लूड द प्रोडक्ट इटसेल्फ, लुक, प्राइस, द पैकेजिंग। वो कह रहा है कि ब्रांड मैनेजमेंट में आपकी प्राइस, आपकी ब्रांड की लुक, आपकी लुक से मुराद आपका, आपकी ब्रांड की वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी ब्रांड का लोगो अच्छा सा होना चाहिए, आप ब्रांड की, आपके ब्रांड की एक प्लेस अच्छी होनी चाहिए, आपके ब्रांड की एक लुक अच्छी होनी चाहिए जिससे आपकी एक अच्छा ब्रांड, गुड ब्रांड और गुड ब्रांड इमेज क्रिएट होगी, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ब्रांड मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।